निस्तारण के लिए आश्वस्त किया जाता है। लगातार हम बात कर रहे हैं आज अयोध्या की भी, और आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करेंगे। और हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, खाद्यान्न वितरण की बात करें तो लगातार प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो राशन के दुकानदार हैं, जो लोग खाद्यान्न वितरण करते हैं, उनसे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री बात करेंगे, और इसमें कुछ अन्य लोग भी शरीक होंगे कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की तरफ खाद्यान्न वितरण के लिए दिया गया है, जो योजना नवम्बर तक चलाई गई है, वो उस योजना का लाभ सबको मिल रहा है, किसानों में किस तरह प्रॉब्लम है, और किस तरह से तमाम लोग जो राशन लेने आते हैं उनकी क्या प्रक्रिया है। तो जाहिर तौर पर राशन के दुकानदारों से बात करेंगे, और तमाम जो सांसद है, हालांकि पार्लियामेंट चल रही है लेकिन उसके बावजूद जो तमाम सांसद है वो अपने अपने जिलों में, काफी सांसद पहुंच गए हैं, वो सांसद भी इसके जरिए रूबरू होंगे, क्योंकि जो बैठक हुई थी उस बैठक में स्पष्ट किया गया था कि 5 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके लिए सांसद तमाम राशन की दुकानों पर जाए, लोगों से बात करें, राशन के दुकानदारों से बात करें कि किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और है अगर तो फिर उसका सलूशन निकाले, क्योंकि ब्रॉडबैंड जोड़ने की पूरी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि एक देश एक राशन कार्ड, यानी एक राशन कार्ड से अगर आपको एक देश में अन्न बांटना है तो उसे ब्रॉडबैंड जोड़ना पड़ेगा, मीडिया इंटरनेट से जोड़ना पड़ेगा, और इंटरनेट कनेक्टिविटी कई राशन की दुकानों में ज्यादातर कई जगह हो चुकी है, कुछ जगह पे नहीं हुई है, वो भी डेटा जो है वो प्रधानमंत्री निकाल रहे हैं, और उसके लिए भी लगातार काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अहम मुद्दा है वो यही है कि राशन के दुकानदारों के माध्यम से राशन लेने वाले और दुकानदारों दोनों से आज प्रधानमंत्री 1 बजे रूबरू होंगे। जी अमित जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खाद्यान्न वितरण भी करना है, उसको लेकर पहले भी जब बैठक हुई थी उसमें ये बात सुनिश्चित कर दी गई थी, लेकिन जो लोग राशन वितरण करते हैं उनके साथ बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, तो क्या आज उन समस्याओं के लिए भी बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ी वजह है कि खुद प्रधानमंत्री जो है वो राशन विक्रेताओं से बात कर रहे हैं, जो चाहे वो राशन विक्रेता उन्हें किस तरह की समस्या, और जो राशन लेने वाले लोग हैं उन्हें किस तरह की समस्याएं हैं, जो राशन की दुकानों से प्रधानमंत्री जुड़ेंगे उन राशन की दुकानों पर दुकानदार के अलावा कई गाँव के गणमान्य व्यक्ति, चाहे वो प्रधान की बात करें या सदस्यों की बात करें, इस तरह के लोग या आम पब्लिक लोग, वो भी उसके साथ में शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पे जब प्रधानमंत्री जुड़ेंगे तो तमाम लोगों की समस्याएं न सिर्फ सामने आएगी बल्कि उनका निवारण भी होगा। दूसरा, जिस तरह से पहले ही कोरोना काल में लगातार जो है प्रधानमंत्री स्कीम के तहत अन्न जो बढ़ाया गया 15 किलो की जगह 30 किलो जो है गेहूं कही गई, अन्य चीजों को वही बढ़ाया गया, उसके बाद भी ऐसा यहाँ पे लग रहा था, तमाम शिकायतें आ रही थी, कुछ लोग ऐसे हैं जहां तक राशन सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे उन जगहों पे क्यों नहीं पहुंच पा रही, उसे लेके भी प्रधानमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, इन राशन की दुकानों से भी बात कर रहे हैं कि आखिर वन नेशन वन कार्ड में इन्हें किस तरह की प्रॉब्लम आती है। मेन जो समस्या है वो ब्रॉडबैंड से ना जुड़ने की, क्योंकि जब तक वो उसे कंप्यूटर इंटरनेट पे नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक एक खाका नहीं तैयार होगा कि किस आदमी को राशन मिला और किस आदमी को राशन नहीं मिला, इसलिए ब्रॉडबैंड से जोड़ने की पूरी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, बाकी जगहों को भी जोड़ा जा रहा है। और दूसरी जिसकी मैं लगातार बात कर रहा था, क्योंकि कोविड काल है, प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, तो ऐसे में अब राशन विक्रेताओं के जरिए 80 करोड़ जो लाभार्थी है वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के टच में आएंगे और केंद्र सरकार की जो योजना है वो उन तक पहुंच सकेगी। जी अब बिल्कुल अमित जी, कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल भी है, क्योंकि लोगों को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और अगर प्रधानमंत्री खुद जुड़ेंगे, उन समस्याओं को जानेंगे और उनका निस्तारण किया जाएगा, तो शायद आने वाले दिनों में लोगों की जो मुसीबतें हैं या जो समस्याएं हैं वो थोड़ी कम जरूर हो पाएंगी। हमारे साथ अभिषेक मणि त्रिपाठी लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे
जाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल तो गोरखपुर में हैं, उसके बाद वो अयोध्या भी जाएंगे, चूंकि राम मंदिर का आधारशिला का आज एक साल पूरा हो गया है नींव रखे हुए भी, और वहां पर भी खाद्यान्न वितरण किया जाएगा, और जो खाद्यान्न वितरित करते हैं उनसे बातचीत की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, आपसे बताना चाह रहे हैं कि कल देर शाम मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे थे, उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किया, जिसके बाद से आज दोपहर में वो अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पे अन्न महोत्सव का लाभार्थियों को वितरण करेंगे राशन वगैरह। उसके बाद के जो है 1 बजे के करीब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जिसमें वो वर्चुअल मीटिंग करेंगे, करीब 80,000 दुकानदारों के साथ वो सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। जिसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश भर में IAS लेवल के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, सभी सभी कोटेदार दुकानों पर वो मौजूद रहेंगे, और करीब हर दुकानों पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए टीवी की व्यवस्था की गई है, कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री इन चीजों को जानेंगे कि क्या समस्याएं आती हैं राशन को लेके, और तमाम ऐसी चीजों की जानकारियां पब्लिक से साझा करेंगे। जी अब सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े। सूरज, मुख्यमंत्री आज अयोध्या आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे के करीब करीब जो है 12 बजे के करीब में अयोध्या पहुंच जाएंगे, और अयोध्या पहुंचने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, और उसके बाद वहां से वो सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद में उसके बाद वो रामलला के दर्शन करेंगे, और जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर के जमीन के अंदर का जो है जो खुदाई काम था 45 फीट गहरी खुदाई हुई है, और उसके अंदर जो कार्य है वो पूरा कर लिया गया, करीब करीब 4 मंजिल इमारत के बरोबर गहरी खुदाई की गई है, उसके अंदर पूरा जो 25 लेयर न्यू का काम था, सबसे बड़ा काम जो ट्रस्ट के सूत्र बताते हैं वो सबसे बड़ा काम न्यू का ही था, और न्यू का कार्य पूरा कर लिया गया है, तो उसकी भी जो है देखरेख करेंगे और उसकी भी समीक्षा करेंगे। उनके साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं अयोध्या के, तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, लल्लू सिंह हैं सांसद, वो रहेंगे, अयोध्या के जो मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय वो उनके साथ में रहेंगे, और जो बड़े अधिकारी हैं अयोध्या जनपद के, चाहे वो जिलाधिकारी, वो सब रहेंगे और अंदर की मंदिर की समीक्षा करेंगे उनके साथ में। आपको बता दें कि इस सबके बीच में उनके साथ में तमाम जो अयोध्या के बड़े साधु संत हैं वो भी उनके साथ में होंगे, क्योंकि जो है कोविड को देखते हुए सभी को अलाउ नहीं किया गया, लेकिन जो अयोध्या के बड़े संत हैं और ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो सीएम योगी के साथ में जो है इस बैठक में होंगे, और उसके बाद में सीएम योगी, जैसा कि बताया जो है अमित जी ने, कि जो राशन वितरण का कार्यक्रम है तो अयोध्या में भी राशन वितरण का कार्यक्रम है, उसके बाद सीएम योगी राशन वितरण के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और करीब करीब 3 घंटे के करीब में अयोध्या में सीएम योगी बिताएंगे। जी जी अभिषेक, आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि कई तरीके की समस्याएं, जिसका जिक्र अभी अमित जी भी कर रहे थे कि समस्याएं बहुत हो रही थी राशन को लेकर, वन नेशन वन राशन कार्ड का जो थीम है वो अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन वो इतनी आसानी से हो नहीं पा रहा, उसमें क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ सामना लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है, ये तमाम बातें जो है वो आम जनता में देखने को मिल रही है। आपने क्या बात करने की कोशिश की उन लोगों से जो पात्र हैं कि किस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं ज्यादातर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे समस्याएं जो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये तो इसका कोई ऑनलाइन डाटा नहीं होता है। खाद वितरण में क्या करते हैं, जैसे 15 किलो का राशन देने का है तो 4 किलो 5 किलो राशन ये कोटेदार लोग नहीं देते हैं लोगों को, तो इन सब चीजों का लेखा जोखा नहीं होता है, तो इस वजह से भी लोगों को दिक्कत आती है। तो इन सब चीजों पर जो डिजिटलाइजेशन की बात होती है वो कहीं ना कहीं राशन वितरण में भी लागू होगी, तो शायद कहीं लोगों को आराम मिलेगा इससे। जी अमित जी, एक बहुत बड़ा फायदा होगा अगर ये अब लिखा पढ़ी में होने लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोटेदारों की मनमानी कई बार देखने को मिलती है और अक्सर ही देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ता है, जो पात्र हैं इसके हितग्राही हैं उन्हें कहीं ना कहीं इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है, तो अगर ये लिखित में होगा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लोगों को काफी मदद मिल पाएगी। सबसे बड़ी मदद जो है वो प्रवासी मजदूरों के लिए होगी, जो खासतौर अपने अपने जिलों को छोड़ के बाहर जाके जॉब करने जाते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं, और ऐसे में उनके पास जो राशन कार्ड होता है वो उनके अपने जिले का होता है, और जहां पे वो रह रहे होते हैं वहां उन्हें राशन नहीं मिलता, और ऐसे में अगर वन नेशन वन राशन कार्ड, जो कि सरकार की तरफ जरूर लागू है लेकिन तमाम जगह ब्रॉडबैंड से ना जुड़ने की वजह से राशन अवेलेबल नहीं हो पाता है, कुछ ही दुकानों पे मिल पाता है, तो ऐसे में अगर ब्रॉडबैंड सारी दुकानें जुड़ती है तो जाहिर तौर पर वो प्रवासी मजदूर जो है वो अपने जहाँ पे जॉब कर रहा है वहां पे जाके वो राशन ले सकता है, और ये एक बड़ी राहत होगी। हालांकि जो बाकी चीजें हैं, खासकर उसकी राशन कम दिया जाता है या राशन नहीं दिया जाता है, ये सब भ्रष्टाचार का प्रचारक है, और ऐसे में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, हटाने के लिए लगातार जो है सरकार प्रयास कर रही है और काफी हद तक कंट्रोल किया भी गया है। उसके बावजूद अगर किसी को शिकायत है तो तमाम हेल्पलाइन है, चाहे
डिस्ट्रिक्ट में हम CDO की बात करें, DM की बात करें, SDM की बात करें, तमाम लोगों से कंप्लेंट की जा सकती है। लेकिन बड़ा पहलू वही है कि जब तमाम राशन की दुकानें ब्रॉडबैंड जुड़ेंगी तो ना सिर्फ प्रवासी मजदूर बल्कि तमाम लोगों को राहत होगी। जो आदमी जिस जगह पे राशन लेना चाहता है उसे उसी जगह पे राशन उपलब्ध होगा, क्योंकि देश भर में हर जगह पे दुकान जो है सरकारी दुकानें अवेलेबल होती है, और ऐसे में उन्हें अपने गांव नहीं जाना पड़ेगा। अपने राशन लेने के लिए अपना कार्ड उनके गांव का है, जिस तरह से वोट डालने जाते हैं जहां का वोट है वही डालते हैं, तो इस तरह की चीजें जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। तो ये एक लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम बाउंडेशन साथ गाइडलाइंस दी थी जिसपे सरकार काम कर रही है, उम्मीद है बहुत जल्दी ये काम भी पूरा हो जाएगा। और जो वन नेशन वन कार्ड की बात सरकार कह रही है वो पूरे देश में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी चीज, क्योंकि जिसकी मैं बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री हर क्षेत्र के लोगों से खुद टच में रहते हैं, ऐसे में राशन का पहलू कहीं ना कहीं अछूता था। और ये भी बड़ी बात है कि अब राशन के दुकानदारों से बात करेंगे, इससे न सिर्फ दुकानदारों की हौसला अफजाई होगी बल्कि जिन समस्याओं की बात हो रही थी, जिन चीजों की बात हो रही थी, गांव में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बिजली नहीं होती है, इंटरनेट काम नहीं करता, स्लो इंटरनेट होता है, कई सारी चीजें होती है, राशन जो पहुंचता है अक्सर का भीग जाता है, कई बार ऐसा होता है कि राशन खराब होता है, दुकानदारों के पास कोई विकल्प नहीं होता, उन्हें भी लोगों को ही बांटना होता। तो जब प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से रूबरू होंगे तो उनकी समस्याएं भी दूर होगी। और दूसरा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले ही तमाम, चाहे वो सांसदों की बात करें, विधायकों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, हर कोई अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट है। नॉर्मली अगर हम देखें तो कोई भी सांसद या मंत्री बिल्कुल अमित जी, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उससे काफी समस्याओं का जो निस्तारण हो सकेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इससे पहले हम आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि इस वक्त गोरखपुर दौरे पर है, और वहां पर वो जिस तरीके से उनका जो जानवरों